हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज का हमारा टॉपिक है, क्या जॉम्बी एपोकोलिप्स पॉसिबल है। जी हाँ दोस्तों, जॉम्बीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जॉम्बीज बेसिकली है क्या? अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा जॉम्बीज का मतलब होता है लाश, मतलब जो बॉडीज डेड हो चुकी है उन्हें हम जॉम्बीज बोलते हैं। और जैसा कि आपने बहुत सी मूवीज में देखा होगा, मरे हुए लोगों की बॉडीज को आपने वायरस या किसी पैरासाइट से अफेक्ट होने के बाद घूमते हुए और शिकार करते हुए जरूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जॉम्बी से रिलेटेड बहुत सारी मूवीज है उसे देख सकते हैं, लाइक रेसिडेंटल इविल, जॉम्बीज लैंड, वर्ल्ड वार जेड। ये सारी टॉप की मूवीज हैं और इनके सीक्वल्स भी हैं, आप जरूर देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे जॉम्बीज रियल में हो सकते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पॉसिबल है क्योंकि कुछ ऐसे पैरासाइट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने होस्ट को मारकर उसके ब्रेन को कंट्रोल करते हैं, बिल्कुल जॉम्बीज की तरह। दोस्तों एक ऐसा ही एक फंगस है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये एक फंगस है जिसे 1859 में ढूंढा गया था। ये फंगस करता क्या है, बेसिकली ये किसी भी चींटी के बॉडी पर अगर एक बार आ गया तो ये उसके बॉडी से अटैच हो जाता है और उसके ब्रेन को कंट्रोल करते हुए उस चींटी को उसके ग्रुप से उससे काफी दूर लेकर जाता है। ऐसी जगह पर लेकर जाता है जो कि उस फंगस के सर्वाइवल के लिए बहुत अच्छा हो, इन एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, जहां पर वो आराम से सर्वाइव कर सके। और फाइनली वहां पर जाने के बाद वो क्या करता है, उस चींटी के डेथ होने तक का इंतजार करता है और फाइनली उसके जो ब्रेन है वहीं पर वो अपने अंडे देता है और वहीं पर उसकी रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसा एक भी ऑर्गेनिज्म अगर अर्थ पर अवेलेबल है तो इसका मतलब है कि जॉम्बी एपोकलिप्स पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।